रंका अनुमंडल प्रखंड रंका प्रखंड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योग कार्यक्रम का किया गया आयोजित। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसी वर्ष 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उस प्रस्ताव को 177 देश का समर्थन मिला। आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक खास वजह है कि 21 जून उत्तरी संक्रांति गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, और इस दिन योग और अध्यात्म के लिए से महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में योग दिवस के अवसर पर योग स्पेशलिस्ट विपिन मिश्रा के द्वारा योग का आयोजन कराया गया। उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। हमेशा योगा करने से हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। हमें प्रत्येक दिन आधे घंटे अपने शरीर के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। उनके द्वारा सुखासन, वज्रासन, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, अनुलोम विलोम इत्यादि योग कराया गया। इस कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुधीर कुमार, प्रखंड लेखा प्रबंधक दिनेश प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर कृष्णा कुमार, डॉक्टर इश्तियाक, अनिल कुमार ठाकुर, तरुण विश्वास, पंकज विश्वकर्मा, अनिल राम, विपिन यादव, सत्यनारायण मालाकार, मनोज कुमार, सनारती टोपनो, किरण यादव सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग रखी गई, यानी खुद को स्वस्थ रखो और एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ो। आरती कुमारी की रिपोर्ट।